आज का नाश्ता होगा मानो के हाथों का। मामा को करवाने के लिए लेकर जाएंगे लिप फिलर। ये क्या है? हाँ। मैं सही बनाती हूँ ये ब्रेड, आप खुद डाल के देखो टूटे ना मेरा नाम। बस मैंने ये खा ली ग्लूटेन फ्री। वो दोनों डेट पे हैं, उठे होंगे। चिड़िया ही छोड़ के जाता। तुम भी एक चिड़िया हो हेरा, भूलो मत। लड़के इतना तक करते कि लड़की कहती था वहाँ ऊपर हम हो गए। पापा वापस हीरो बन गए हैं, ठीक है दिखाएं जरा। ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है, डॉक्टर ने इंजेक्शन पकड़ा हुआ है। एक बच्चा क्लिनिक पे क्या लिप फिलर कराने आया। हाँ देखो। ओह माय गॉड। मौसम बहुत अच्छा है, धूप गायब है, बिल्कुल धूप नहीं है भाई, हवा चल रही है बड़ी खूबसूरत बड़ी प्यारी। और मैं आज उठ चुकी हूँ पूरे 11 बजे, हवा से मेरी जुल्फे उड़ रही हैं जो कि बड़ी प्यारी लग रही हैं। अभी मुझे जो है वो नीचे जाके नाश्ता वास्ता करना है, अपनी माँ का हाल अहवाल लेना है। भाई चमकदार, चलते हैं नीचे भाई। घर में शोर हो रहा है, सफाई हो रही है, एक हमारा शेफ जागा हुआ है जो कि फ्रेंच टोस्ट बना रहा है। है ना आपको? यस आप बनाओगी आज? ओके सो आज का नाश्ता होगा मानो के हाथों का। फ्रेंच टोस्ट खाना है या पराठा? नहीं ये कढ़ी कहाँ, कढ़ी कहाँ से आई है? किसी के घर से। ट्राई करती हूँ लेकिन तुम तो मेरे लिए बना लेना जो तुम बना रही हो। तो क्या मजे के ना हुए मानो, तुझे ही खिलाऊंगी वापस। मैं हमेशा मजे के बनाती हूँ, मेरी रेसिपी को कभी गंदा नहीं। राबिया की रेसिपी को आप गंदा कह सकते हो बट मानो की रेसिपी को नहीं। मम्मा को आज हमने कहीं लेकर जाना। और एक और चीज मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमारे घर पे ये क्या चीजें आई हुई है ये देखो भाई। अच्छा जी, और साथ में ये कड़ी है, ठीक है। इसको तो जब तक मैं टेस्ट नहीं करूंगी मैं नहीं बता सकती। ठीक है, मेरी मम्मी जैसी नहीं है, मेरी मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है। ये भी मजे किया, मेरी मम्मा के हाथ की ना कड़ी की रेसिपी आप लोगों से मैं शेयर करूंगी और दिखाऊंगी आप लोगों को किस दिन। मानो तुम चीनी में चीनी डाली जा रही हो, कैसा नाश्ता बना रही हो? ऐसी बनाती हूं। अच्छा मैं वैसे पराठा भी बनवा लूंगी अगर मेरा दिल किया, नमकीन पहले मैं नमकीन खाऊंगी इसके बाद थोड़ा सा मीठा खाऊंगी। आज जरा हम बेहतरीन नाश्ता करेंगे, अभी चलते हैं मम्मा के पास। ये देखें यहाँ पे अभी झाड़ू वाला सिलसिला चल रहा है, मतलब सफाई हो रही है। इस कमरे की झाड़ू कम्प्लीट हो चुकी है और मेरी अम्मा की तैयारी। मम्मी ने आज जहाँ जा रहा है गाइस ये मैं आपको बता दूं, अभी कर दूं डिस्क्लोज। ये नहीं बताना सरप्राइज। इट्स नॉट अ सरप्राइज क्योंकि थंबनेल देख के लोगों को पता लग गया होगा कि आज हम मामा को करवाने के लिए लेकर जाएंगे लिप फिलर्स। मामा को बहुत शौक था, मेरे होंठ बड़े पतले हैं थोड़े से सही कराने, तो मैं सारा कंप्लीट आपको दिखाऊंगी कि प्रोसीजर कैसे होता है, इंजेक्शंस लगते हैं और पेनफुल होता है या नहीं होता या क्या इसका रिजल्ट आता है। पेन होती तो मैं कभी भी ना सुना। एक सेशन मामा का हुआ हुआ है जो कि बहुत लाइट और बड़ा माइनर सा है, लेकिन ये भी दूसरे सेशन दूसरी सिटिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं। फाइनल टचिंग आएगी ना वो अब आएगी, आज आएगी, तो अभी वो हम जाएंगे और जो भी चीजें होंगी वो आप लोगों को दिखाएंगे। ये क्या है? इसका भी एक तरीका होता है। जैनब ये क्या किया है? ये ब्राउन ब्रेड बना रही है। मानो मैंने तो नहीं ये खानी, मुझे तो अच्छे ब्रेड दो, व्हाइट वाला मिल्की ब्रेड का। हाँ हम ब्राउन ब्रेड ही रखते हैं। आपके चक्रों में, सिर्फ आपके चक्रों में, आपने स्मार्ट होना उसके चक्रों में। ये हाँ कड़ी रोटी खाऊंगी मैं भी राजा साथ, मम्मी कड़ी रोटी खाऊंगी। कड़ी रोटी बस मैंने ये खा ली ग्लूटेन फ्री। मम्मा मैंने तो मीठे के लिए इसको बोला था, इसको आइंदा के बाद कभी कुछ चीज नहीं बोलती क्योंकि कोई भी चीज ढंग की नहीं बनाती। हाँ। मैं सही बनाती हूँ ये ब्रेड, आप खुद डाल के देखो टूटे ना मेरा नाम। नाम बदल के रखूंगी जैनब। इसका तरीका होता है जैनब, ऐसे इसको किया दीपू। हाँ जी ये अभी कम है अंदर, ये आप चला रही है लेकिन ये मानो प्रो मैक्स ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और ये देखें ये भी टूट गया। ऐसा क्यों हुआ? ये होते ही वैसे हैं टूटने वाले और ये होते ही नहीं है यार। ये क्या बनाया वैसे, ये क्या बना दिया तुमने? मैंने नहीं बनाया, ये है ही ऐसे। मम्मा बिना मिल्की ब्रेड नहीं लाती। मम्मी प्लीज अब कल से मिल्की ब्रेड, बाहर मौसम बहुत अच्छा, अब जब ये ब्रेड बन जाए मुझे एक पराठा चाहिए, मैंने नहीं खानी मानो के हाथ की गंदी सी मिल्की ब्रेड। बेचारी ने बनाया तो अपनी तरफ से सही है लेकिन अब कोई बात नहीं, अंदर जाके चींची कर रही है। चिड़िया और अच्छा एक उसको वो ये बना हुआ इश्क वाला लव, वो दोनों डेट पे हैं ऊपर इश्क वाला लव, वो एक बंदा ऊपर बैठा हुआ है। ओ उसको छोड़ के चली गई। हाँ देखा ये उन्होंने किया हरकत है। अब वो दोनों, अब ये दोनों इकट्ठे होंगे। चिड़िया ही छोड़ के जाती है। अच्छा तुम भी चिड़िया हो, तुम भी एक चिड़िया हो हेरा, भूलो मत। चिड़िया लड़के इतना तंग करके लड़कियां चली जाती है।
अच्छा अब अच्छा अच्छा लड़कियों की भी काट गई है लड़की लेकिन वो अभी तक वहीं बैठी हुई है ऊपर देखें बादल कितने खूबसूरत आए हैं। तो ये दो है ना ये दो मतलब दो किसी वजह से बैठे हुए अच्छा तो हीरा ये कहना चाह रही है कि आखिर में दोस्ती काम आती है लड़की छोड़ के भाग जाती है यार ये गलत बात तो ये पता नहीं क्या होगा भाई ये क्या लगा हुआ है हमारे दरख्त किनू है फुल ग्रीन अगली सर्दी में बड़े होंगे तो फिर मतलब वो देखो वहाँ पे भी वो भी छोड़ के चली गई कोयल तो शादी ये भी चले गए हैं ये एक ही रह गई है अब वो बाजार में शॉपिंग करने गई है कौन वो कोयल देखो अब उसका चिड़ा भी जा रहा है कोयल का चिड़ा कौन सा होता है कोयल की कोयला इन्होंने इधर तो हमारे घर में भी घर बनाया था जब इन्होंने बच्चे देने होते हैं ना तो ये घर बना लेते हैं अच्छा बच्चे देने के लिए घर में जाते हैं आ रहा है नजर कितना बड़ा ये है ना अब छोड़ के चले गए अच्छा बच्चे नहीं अंदर नहीं ले गए चले गए हाँ अच्छा बच्चे हो जाते ना फिर भाग जाते अंदर से तो ये एक लॉजिक है भाई बर्ड्स का बर्ड सिर्फ जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए अपना घोंसला बनाते ताकि वो अपने बच्चों को सेफ फेस्ट जगह पे रख सके फिर मैं अकेले ही रहता हूं उधर बैठ गया जाके अच्छा चिड़िया ये है दो दोस्त इधर है ठीक है पूरी कहानी गाइस आपको ये है चिड़िया की लव स्टोरी वाह चिड़िया जाओ उसके पास पैच अप करो जाके यार ये बड़ी मजे की चीज है हमारे घर में गाइस कोरोंडे भी लग चुके कोरोंडे और ये हीरा के फेवरेट थे याद है बचपन में हम तोड़ के खाते थे हीरा ये धो के धोए बगैर खा रही हो तुम तुम्हारा गला पकड़ा जाएगा यार ये अचार में लोग डालते हैं ये कोई इतना मजे का टेस्ट है ना इसका इतना मजे का खट्टा फुल लेकिन गला अपनी जिम्मेदारी पे खाएं बट नथिंग कैन रिप्लेस फाल्सा हां अले अले नाश्ता बन गया मेरा पराठा बगैर फटे ओए आज तो मैं कुछ बांटूंगी शुक्र है लगता है ये हीरा का बना मम्मा यार ये ऐसे ना गए मेरा देखना फटेगा नहीं फटेगा आजा हीरा मम्मा का दिल करता है मुझे मैं जिसके साथ होती हूँ ना जिस बेटी के साथ उसी के साथ मेरा प्यार होता है तो आपको पांचों के साथ इतफाक से के साथ नहीं है नहीं, ये तू गायब हो जाएगी फिर मैं इसके साथ ये मम्मा ना वो गिरगिट है जो हर बेटी को देख के रंग बदल ज्यादा बच्चे हो ना उनको कुछ करना पड़ता है मतलब एक बच्चे का तो उसे ज्यादा पूछ रही है मम्मा मुझे नहीं पूछ मेरा बस पराठा ना फटे मम्मा बाकी ये सब मैं जानती हूँ माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हाँ अच्छा ठीक है हर माँ को पता अच्छा ठीक है हर माँ ने हाँ जो कहनी अपने बच्चों को सफाइयाँ जो देनी है तुम ये क्या खा रही हो कड़ी मामा जो कड़ी बनाती है वो खट्टी होती है मम्मा वाली कड़ी बहुत मजे की होती है मैंने लोगों को कहा कि मैं एक दिन मम्मा की कड़ाई कड़ी दिखाऊंगी आपको कड़ी में उन्होंने ना कलवंजी डाली वो बहुत मजे की लगती है अच्छा मम्मा ये वाकई में कोई मसला है बता रही हूँ मेरे साथ पराठों को कोई मसला है ऐसे कर देना हाँ तूने तो ब्रेड खानी थी तू अब क्यों पराठा खा रही है ज़ैनब का पराठा नहीं फटा मानो मोहतरम अब क्यों कड़ी खा रही हो मेरे लिए बचा दो तो गाइस फाइनली मेरा नाश्ता आ चुका है ये देखो गाइस हीरा यहाँ पे बैठी क्या कर रही है ठीक है बिल्कुल बचपन में हीरा ऐसी थी बिल्कुल ऐसी बिल्कुल मैं कभी इसकी चली गई है इस वक्त 3 बज चुके हैं और हमारा नाश्ता वाश्ता हो चुका है हम जो है ना वो इंतजार कर रहे हैं अपने अब्बू का जिन्होंने हमें लेकर जाना है और अपनी अम्मी का जिन्होंने अभी तैयार होना है कपड़े शपड़े उन्होंने अपने निकाल लिए हैं ज़ैनब मोहतरम जाके अंदर सो गई है उसका यकीन करें मैंने कोई फ्रेंच टोस्ट नहीं खाया क्योंकि वो बिल्कुल अच्छा नहीं था वो उसने अकेली ने खाया और मम्मा ने खाया ठीक है बस हम थोड़ी देर में निकलेंगे फाइनली गाइस पापा आ चुके निकलो निकले अच्छा अब ये नया आया ना पिंकी हम देखते थे बड़ा ये कलर बहुत अच्छा और इस कलर का ना मम्मा का एक ड्रेस था मैं आपको अभी दिखाऊंगी बहुत पुराने जमाने का तो ना नए का है वो शादी का दिखाएंगे मेरी शादी का है मम्मा मम्मा की ना शादी की पिक्चर्स भी आप लोगों को दिखाई आई लव यू टू एक ये मुझे बहुत पसंद है और एक मुझे ना ये वाले फूल बहुत पसंद है ये लिवेंडर कलर के ये बहुत प्यारे हैं मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन अपनी अम्मा अब्बा की वेडिंग पिक्चर्स और साथ में आप लोगों को दिखाऊंगी हमारे बचपन की पिक्चर्स मतलब अब हमारा जो फोटो एल्बम है ना किसी व्लॉग में अगर चाहते हैं कि मैं आपको दिखाऊं तो वो जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा देखिए जी डैडी आ चुके हैं मम्मी बैठेंगी आगे और हम पीछे पापा गाने बंद कर दें पापा को पता कॉपीराइट आ रहा है तो मेरे हाथ लगी अपने अब्बा की टोपी अब देखें भी कैसी लग रही हूँ मैं प्रोमैक्स लग रही हूँ मम्मी मम्मी नहीं भी दे मैं डाकू तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं मम्मा फाइनली आ चुकी थी और पापा स्पीड स्पीड लगता है कुछ ओहो सनग्लासेस बेडरूम में ग्लासेस भूल गया हूं मैं चले नहीं पापा वापस हीरो बन गए हैं ठीक है दिखाएं जरा गाड़ी में चलेगा म्यूजिक श्यूजिक और हम पहुंचेंगे
मुहावरा नहीं आता सीधे सीधे रोड। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और गर्मी की इंटेंसिटी कम हो गई है। बस मुझे यहाँ सड़क पे ना कैमरा से पकड़ के डर लगता है, कोई मेरे हाथ से पकड़ के ना ले जाए। चले जी, पापा को हमने कर दिया है गुड बाय, पापा चले जाएंगे। हाउ कैन आई फॉरगेट, ये जी अब हम पापा को कैब देंगे। ये पापा हीरो बन के देखा, हॉर्न बजा के अपनी कैब वापस लेके जा रहे हैं। बाय 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 जी। मम्मा प्रोसीजर के लिए यहाँ पे बैठ चुकी हैं, डॉक्टर का वेट कर रहे हैं हम लोग। डॉक्टर आके बताएंगी क्या सूरत हाल है और यहाँ पे अभी क्या होएगा। सही है, डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करें क्योंकि उसके बगैर जो है ना वो उसके साइड इफेक्ट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा और तरह के आते हैं। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर आपकी एक हिस्ट्री के साथ उस चीज़ को ट्रीट कर रहा होता है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है ना। अभी देखें ये मम्मी आपने हमने फूल दिया था मुझे आगे यही लगा हुआ है, रियल प्यार इसे कहते हैं, रियल प्यार। ये रियल प्यार है गाइस, मेरा प्यार तेरे साथ लगेगा। ये फूल भी ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है, डॉक्टर ने इंजेक्शन पकड़ा हुआ है। देखिए अम्मा के फाइनली कुछ ना कुछ यहाँ पे हो गया। मम्मी मास्क पहन ली है क्योंकि अभी इंस्टेंट जब करते हैं ना कोई भी ट्रीटमेंट तो आपकी स्वेलिंग हो जाती है और वो जरा थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है। मेरी मम्मा ने गला काट देना है, तूने मेरी ये वाली वीडियो क्यों लगाई। तो ये मैं आपको तब दिखाऊंगी जब वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हमने प्रोसीजर करा लिया। क्या दर्दफुल था, पेनफुल था, बिल्कुल। हम चलते हैं घर, घर जाना है की कुछ खाना है, डॉक्टर कह रहे हैं बिना खाने लेते हैं आप यहाँ से मेन की। तो अभी जो है ना मैंने गाड़ी वैसे मंगवा ली है। ओके अल्लाह। एक बच्चा क्लिनिक पे क्या लिप फिलर कराने आया, अम्मा कराने आई है, सबकी अम्मियाँ आती हैं गाइस। छोटा सा था क्लास में। आप क्या करने आए हो साथ, रखवाली मान नहीं रहा, दांत चेक कराने आया है ना, पता लग गया है एक खाया हुआ आती हुआ लेके गया। अब बताओ सबसे अच्छा कौन सा कौन लगता है आपको, कंफ्यूज हो गया को अपना दांत जिच्चू कर रहा है। फिर इतना सोचा कि नाम पूछे अपना, मेरा नाम क्या है, अल्लाह की क्या नाम है आगे अगर नाम ना ना आता मैंने यहीं से गुड बाय कह के चली जा। चलो थैंक यू। सो गाइस हमारी गाड़ी आ चुकी है, चले मम्मी। तेज हवा शुरू हो गई है, हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ पे हमने खाना खाना। ये एरिया कंप्लीट अंडर कंस्ट्रक्शन में और अम्मा मेरी ऐसे जा रही है, सबसे पहले मम्मी ने मेन्यू में से जो भी होना है। अभी डॉक्टर ने मना किया, अभी कुछ खाना नहीं होता, इनको ब्रेक के बाद खिलाऊंगी। ठीक है, चलो एज यूजुअल मैं आपको दिखाती हूँ ग्रीन। ये पटे फिर ऑर्डर कर लिए मेरी मम्मा ने, बाय द वे इट्स वेरी हेल्दी। सो गाइस ये हमारी आ चुकी है फेवरेट पेरी पेरी बाइट्स एंड सैलेड, आवर फूड इज हियर एंड मामा इज हैप्पी क्योंकि उनका फेवरेट फ्लेवर था। यार खाना शाना खा लिया था, हाफिज़। लेकिन हुआ कुछ यूँ है कि मेरी जो भूखी बहनें हैं ना उन लोगों ने लंबी फरमाइश की फहरिस्त डाली कि हाँ हमारे लिए भी लेकर आना, तो उनके लिए भी पैक कराना पड़ा मुझे। वेयर इज़ आर गाड़ी, क्योंकि पापा जो है वो राबा को लेके आएंगे, राबा अपनी दोस्त की तरफ है और हम लोग फिर जो है वो कैब बुक कराई और वहाँ से सीधा जा रहे हैं घर। मम्मा यहाँ पर गई थी सो आते साथ अटैक, आते साथ बुको का अटैक, डिप सॉस भी है साथ में हीरा। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके थे घर, हीरा मैडम ने अपना खाना शाना खत्म कर लिया। अब जो है ना वो मम्मा जाके थोड़ी देर रेस्ट करी थी, सो गई थी, इसको भी नहीं पता। अभी मम्मा दिखाएंगी, मम्मा का जरा चेक करवाए, मम्मा वापस, मम्मा बार बार कमरे में ही जाई जा रही। तो मुझे देख हीरा तेरे जैसे होंठ हो गए मम्मा के बिल्कुल। हाँ देखो, ओह माय गॉड दिखाए, इतने प्यारे लग रहे हैं, दिखाए। हाँ देखो अच्छे हो गए ना, वैसे ही लग रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ मम्मा प्यारी लग रही, गिरेगी तू। मम्मा को ना खाया भी नहीं गया कुछ, मम्मा से दर्द हो रही है, उसने इंजेक्शन लगा। हाँ लाइट निकला, नहीं नहीं कोई खून नहीं निकला, दर्द भी नहीं। उंगली लगा के देख कैसा लगता है। अच्छा मामा आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कोई अलग चीज है, कुछ भी नहीं लग रहा, अपनी जात का स्टार्टिंग में लगा था, अब तो नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ना खींच मामा के मुंह। राबिया और फातिमा है वो लोग गई हुई हैं, वो अभी तक घर पे नहीं आई। जैनब मोहतरमा बस लड़ाकी मैडम यू नो वो घर पे ही है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। वाओ इकरा कवल द बेस्ट ब्लॉगर।